हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के बारे में। और संविधान के बारे में हम पहले से काफ़ी कुछ जानते हैं, जैसे कि संविधान का निर्माण हमारा कितने समय में हुआ। तो संविधान का निर्माण हम जानते हैं जैसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था। कितने दिनों में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में हुआ था, ठीक। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो संविधान है वह कितने समय किस तारीख तक पूरा हो गया था, तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ये हमारा क्या हो गया था, संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसको लागू किया गया था हमारा 26 जनवरी 1950 में, ठीक। तो यहाँ पर हम ये जो बेसिक जानकारी है इनको हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन कुछ संविधान के बारे में जैसे इसके अंदर यानी संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, उसमें जो आर्टिकल लिखे गए हैं, उनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। तो हम आज इस अब हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम संविधान के अंदर जो चीज़ें हैं, जो सरकार को, संसद को या राष्ट्रपति को जो उसमें शक्तियाँ निहित हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें तो हम बेसिक में जानते हैं, हम पहले से जानते थे, ठीक। तो उसमें हम बात करते हैं उस। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे संविधान है वह हमारी एक किताब के रूप में है। तो हमारे पास भी यहाँ पर एक किताब है जिसे हमारे पास है, ये 7th क्लास की एक बुक है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ठीक। तो इसमें भी इसमें कुछ चैप्टर होंगे, चैप्टर्स के नाम भी होंगे और उसमें क्या होंगे, पेज नंबर भी होंगे। तो ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 9 चैप्टर हैं, ठीक, 9 चैप्टर हैं और इसमें पेजों की संख्या 110 है। ऐसे ही हमारे सेम ऐसी प्रकार जैसे हमारे इस बुक में क्या है, चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के नाम भी लिखे हुए हैं और यहाँ पर उसके पेज नंबर भी होंगे, ठीक। ठीक सेम इसी प्रकार हमारे संविधान में भी क्या होता है, एक वो भी एक बुक के तरह ही है। तो उसमें भी क्या होंगे, हमारे पास चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स के नाम होंगे और पेज नंबर होंगे। तो अब लेकिन जो संविधान में है उसमें क्या होता है, उसमें हम चैप्टर्स को क्या कहते हैं, भाग। चैप्टर्स को हम क्या नाम देते हैं, भाग। यानी जो हमारे संविधान में जो चैप्टर्स के रूप में है उसको हम क्या कहते हैं, भाग, भाग के नाम से जानते हैं। और उसमें नाम होंगे, जैसे इसमें जैसे पहले चैप्टर का नाम जो अभी हमने बुक दिखाई उसमें क्या है, समानता। ऐसे ही जब हम संविधान पढ़ेंगे उसमें भाग के रूप में जो जैसे भाग वन आया तो उसमें जो भी नाम होगा वो दिखाएंगे, अभी हम आपको एग्जांपल देंगे, ठीक। तो उसका भी एक नाम होगा। और जो पेज नंबर के रूप में होंगे उसमें हमारे पास क्या होंगे, आर्टिकल होंगे। क्या होंगे? आर्टिकल, आर्टिकल, आर्टिकल। जैसे जैसे हमारा ये बुक है इसमें क्या है, इसमें पहला चैप्टर है समानता, ठीक। इसमें क्या है, पहला चैप्टर है समानता जिसका पेज नंबर क्या है, 1-4, ठीक। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, संविधान में भी क्या होगा, भाग बन होगा जिसका नाम होगा और उस ना मतलब उस भाग में आर्टिकल दिए होंगे जैसे 1-5 या 1-4, ठीक। तो उसी प्रकार काम चलता है, सेम ऐसी प्रकार जैसे हमारे ऐसी बुक में होता, ठीक। तो हमारे जो संविधान है उसमें टोटल 22 भाग है। कितने? 22 भाग है संविधान में हमारे, 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल है, 395 आर्टिकल्स हैं। तो इन सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक। जैसे अब हम उदाहरण देखें तो हमारे पास क्या है, बात करें जैसे संविधान में 22 भाग हैं तो हम बात करें पहले भाग की। तो भाग वन जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लें तो भाग वन में हमारा क्या है, भाग वन में हमारे हैं संघ और राज क्षेत्र। क्या है? संघ और राज क्षेत्र। क्या है? संघ और राज क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब क्या ये भाग है, इसको हम चैप्टर के रूप में देख सकते हैं अन्य बुक में, लेकिन हम संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान में हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भाग। तो ये हमारा क्या है, भाग बन है, इसका क्या नाम है, संघ और राज्य क्षेत्र। नाम इसका संघ और राज्य क्षेत्र होगा। अब ये किस पेज नंबर तक है, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक है? तो अब चूंकि हम संविधान में देख रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम आर्टिकल। तो हमारा ये जो संघ और राज्य क्षेत्र वाला भाग है वह हमारे आर्टिकल अनुच्छेद हमारे कहाँ से, अनुच्छेद हमारे 1-4 तक है, ठीक।
बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने देखा इस बुक में, जो साधारण बुक है उसमें भी चैप्टर्स है, नाम है, पेज नंबर है, सेम ऐसे हम समझेंगे कि जो हमारे संविधान की किताब है उसमें भी जो चैप्टर्स के रूप में है उसका क्या नाम है, भाग है, और नाम हमारा क्या है, संघ और राजक्षेत्र, और इसमें अनुच्छेद है वो पेज नंबर के रूप में, जैसे 1-4, यानी जो हमारा भाग बन है वह अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक ही चलेगा। ठीक, अब जैसे दूसरा उदाहरण लें तो भाग 2 है, टोटल 22 भाग है ना, तो इसी प्रकार आगे 22 भाग हैं, तो भाग 1 था संघ और राजक्षेत्र। अब भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में हमारे पास क्या है, नागरिकता, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ठीक, नागरिकता भाग 2 में हमारी बात होती है नागरिकता की, तो नागरिकता है, तो नागरिकता में भी क्या होगा, पेज नंबर अर्थात अनुच्छेद होंगे, बटे होंगे कितने, तो यहाँ पर जो अनुच्छेद है वह क्या है, अनुच्छेद ये जो नागरिकता वाला भाग है वह कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक, कहाँ तक, 5 से 11 तक। इसी प्रकार हमारे पास भाग 3 भी है, भाग 3 क्या है हमारे पास, भाग 3 है हमारे पास मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये हमारा क्या है, तीसरा भाग है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास अनुच्छेद होंगे, बटे होंगे कहाँ से कहाँ तक, इसमें क्या है हमारे, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक, तो इसी प्रकार हमारे आगे भी जो भागों में है वह बटे हुए हैं, टोटल हमारे पास कितने भाग हैं संविधान में, हमारे पास 22 भाग हैं, और कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। ठीक, तो अभी भाग 1, भाग 2, भाग 3, इसी प्रकार हमारे पास जो चौथा भाग 4 है उसका नाम है DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हिंदी में कहते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसमें क्या है, उसमें हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बातें की गई हैं। फिर हम पांचवा देखते हैं संघ, तो उसमें क्या है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। तो इसी प्रकार हमारे पास आगे बढ़ते बढ़ते कितने भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं, और आर्टिकल कितने हैं, 395। ठीक, तो हम सभी की धीरे धीरे आगे करते हुए बात करते हुए बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम संघ और राज्य, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी हम इसकी बात करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो दोस्तों हमने जाना कि हमारी जो संविधान में वह कितनी, 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल हैं। तो भाग वन की बात करते हैं, भाग वन में हमारा है भाग वन, उसमें हमारा क्या है, उस चैप्टर का नाम है, यानी भाग वन का क्या नाम है, संघ और राजक्षेत्र, क्या है, संघ और राजक्षेत्र, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक, अब ये कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद हमारा यह है अनुच्छेद 1-4, यानी जो हमारे संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बातें कहेंगे वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक, जो भी हमारी बातें कहेंगे वो किसके बारे में कहेंगे, संघ के बारे में कहेंगे और राज्य क्षेत्र के बारे में कहेंगे। ठीक, तो हम देखो इस भाग में क्या हम बात करेंगे, हम इस भाग में हम बात करने वाले हैं जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं वर्तमान में। ठीक, तो उनके बारे में बात करी गई है, उनके में बदलाव कैसे होगा या किसको क्या शक्ति दी गई है, तो हम केवल इसमें क्या कहेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में ही बात करेंगे। ठीक, तो अब जैसे हम बात करें अनुच्छेद वन की, ठीक, अनुच्छेद वन में हमारे क्या कह रखा है, ठीक, तो अनुच्छेद वन में हमारे कह रखा है कि जो भारत है वह क्या है, राज्यों का यूनियन है, यानी संघ है, भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है, इंडिया इज अ स्टेट ऑफ यूनियन, क्या है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है, क्या कह रखा है, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात क्या है, यूनियन है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है, अर्थात यूनियन है। अब यहाँ पर संघ का मतलब क्या है, या यूनियन का है, तो यूनियन का, तो यहाँ पर यूनियन का मतलब ऐसा है कि हमारे जो राज्य हैं उन्हें हमारे देश से अलग नहीं किया जा सकता, यानी जो हमारे राज्य हैं पर हमारे देश से अलग नहीं हो सकते, वो चाहे भी तो नहीं हो सकते। जैसे हम बात करें, जैसे हमारा देश है,
जैसे कोई राज ए है, ठीक, वो हमारे देश में ही कोई राज ए है जिसका नाम क्या है, हम बात कर लें यूपी का नाम ही ले लें, ठीक, उत्तर प्रदेश, ठीक। तो हम जैसे राज्य कोई ए है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, वह क्या है हमारे देश से अलग होना चाहता है, ठीक, वो कहे कि मुझे क्या उन्हें अपने इंडिया भारत देश से हमें एक अलग देश बनाना है, मतलब हम एक अलग स्वतंत्र देश बनाएंगे, तो क्या ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, फिर क्या होगा, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वह कहेगी यूपी सरकार से कि आप सबसे पहले अनुच्छेद एक को देखिए, क्या अनुच्छेद एक, अनुच्छेद में एक में क्या रखा है, भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का संघ है, यानी उसमें अलग नहीं किया जाएगा, यानी भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग नहीं किया जा सकता है, उसके अंदर चाहे इतना परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन भारत से अलग नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अनुच्छेद एक के तहत ये यूपी बाहर नहीं जा पाएगा, कौन रोक देगा, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है, ठीक। तो यानी कोई भी संविधान का उल्लंघन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको समझाएगा कि इस अनुच्छेद के तहत आप ये काम नहीं कर सकते, यदि आप करते हैं तो उसको सजा भी दी जाती है, ठीक। तो यहाँ पर जो यूपी है वह क्या होगा, इस अनुच्छेद बन के तहत जिसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ यानी इंडिया इज अ स्टेट ऑफ यूनियन, उसके तहत आप क्या करेंगे, इस देश से अलग नहीं हो सकते, यानी स्वतंत्र राज्य नहीं बना सकते, ठीक। तो यहाँ पर समझ गया कि भारत राज्यों का संघ किस प्रकार है, ठीक। और अब हम बात करते हैं इसी प्रकार हमारी जो, ठीक, हमारे जो संघ के रूप में इसमें क्या होता है, हमारे तीन प्रकार के बातें आती हैं, एक होता है कॉन्फेडरेशन, क्या होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन, ठीक। इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है जिसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक। जैसे कॉन्फेडरेशन की बात करें तो कॉन्फेडरेशन में क्या होता है, परिसंघ, इसका हिंदी में हम कहते हैं परिसंघ, और फेडरेशन में होता है संघ, इसके बारे में क्या संघ, और यूनियन में इस भी संघ होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है फेडरेशन और यूनियन में, फेडरेशन और यूनियन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि फेडरेशन में इसमें तो होता है संघ और यूनियन में इसमें तो संघ, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है, क्या अंतर होता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें परिसंघ की, ठीक। तो परिसंघ क्या होता है, परिसंघ एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र, लगभग पूर्णता स्वतंत्र राज्य या देश आपस में मिलकर या किसी एक देश को अपनी कुछ शक्तियां देकर यह कह देते हैं कि आप हमारे इन शक्तियों को लेकर विश्व के सामने इसका वो करें, नेतृत्व करें। जैसे कोई देश ये है, ठीक, उससे बी और सी देश, एक देश ए है और बी और सी, तीन देश हैं, ठीक है। अब क्या करें, बी और सी क्या करें, ए से कहें कि आप हमारी कुछ शक्तियाँ, हमारी कुछ शक्तियाँ ले लीजिए और विश्व के सामने आप, हम तीनों एक ही प्रकार से, हम तीनों मिलकर एक राष्ट्र के रूप में उभरे, ठीक है। तो तीन अलग अलग राज्य या देश वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, अपनी कुछ शक्तियाँ एक निश्चित देश को उन्होंने दे दी कुछ शक्तियाँ और कहा कि आप विश्व के सामने इन शक्तियों का प्रयोग करके हमारा नेतृत्व करें। तो क्या है, ये विश्व के सामने क्या है, एक देश है, लेकिन आपस में क्या है, तीन देश हैं। तो यहाँ पर जब ऐसी कोई प्रक्रिया होती है तो वह क्या हो जाता है, परिसंघ के रूप में आ जाते हैं। इसमें कोई लिखित दस्तावेज के रूप में साइन नहीं होता, ये चाहे तो ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ये चाहे तो कभी भी अलग हो सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा मजबूत संघ नहीं होता, ठीक। ये कैसी होती है, एक कमज़ोर राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसको टेम्पररी रूप में हम लागू कर सकते हैं। अब ये जो बी और सी हैं जिसने अपनी कुछ शक्तियाँ दी थी, वो चाहे तो इन शक्तियों को वापस लेकर अपना अलग राज्य स्थापित कर सकते हो, और ऐसा हुआ भी है, ठीक। तो परिसंघ की बात हो गई, ठीक। परिसंघ क्या होता है, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें दो या दो से अधिक देश किसी एक देश को अपनी कुछ शक्तियाँ देकर विश्व में एक देश के रूप में नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसको कुछ शक्तियाँ दे देती हैं, ठीक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फेडरेशन की। फेडरेशन होता है संघ, ठीक।
इसमें भी सेम वही होता है, सेम जैसे कॉन्फेडरेशन में परिसंघ में होता है कि दो या दो से अधिक देश मिलकर किसी एक देश को अपनी कुछ शक्ति देकर उसको क्या करता है, उसको नेतृत्व प्रदान करने के लिए कहता है। ठीक, इसमें भी सेम ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें कुछ अंतर हो, ये इससे थोड़ा कठिन होता है। जैसे परिसंघ में वी और सी ने अपनी कुछ शक्ति ए को दी थी, तो वो क्या था, यहाँ पर ये क्या थे, बी और सी क्या थे, स्वतंत्र थे, वो आसानी से ही अपनी शक्तियाँ वापस ले सकते थे। लेकिन संघ में यानी जो हमारा फेडरेशन है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, इसमें आप आसानी से अपनी शक्तियाँ वापस नहीं ले सकते हैं। जैसे हम बात करें फेडरेशन में यूएसए, यूएसए में क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वह क्या होता है, राज्यों का क्या संघ है, कैसा संघ है, फेडरेशन वाला संघ है, यूनियन वाला संघ नहीं, फेडरेशन वाला संघ। इसमें वो राज्य अलग तो नहीं हो सकते, लेकिन वो राज्य मिलकर क्या बनाया उन्होंने, कई राज्य मिलकर क्या बनाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में बने। और आप देखते होंगे उसमें वहाँ पर क्या होता है, दोहरी नागरिकता चलती है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अलग चलती है और जो स्टेट्स होते हैं प्रॉपर स्टेट्स उनकी अलग नागरिकता होती है। तो वह किस कारण होता है, वह होता है फेडरेशन के कारण, यानी कौन संघ के कारण, और किस संघ के कारण, फेडरेशन वाले संघ के कारण बात होती है। ठीक, तो हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, तो जो फेडरेशन का हमें एग्जांपल मिलता है हमें यूएसए से मिलता है, ठीक, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें हमें फेडरेशन वाली बात, उसमें आसानी से राज्य अलग नहीं हो सकते। ठीक, जैसे परिसंघ में आसानी से राज्य अलग हो जाते थे। ठीक, अब बात करें हम यूनियन की, तो यूनियन में तो हमारा भारत देश आता है। ठीक, जैसे हमने बताया कि भारत राज्यों का संघ है, तो अब यहाँ पर संघ नहीं कहेंगे, हम सीधे संघ कहेंगे, तो फेडरेशन और यूनियन में क्या होगा, हमें दिक्कत होगी। तो हम केवल बात करेंगे यूनियन, हम कहेंगे भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है, संघ हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो बार संघ आता है। ठीक, हम बात करेंगे यूनियन की। ठीक है, इंडिया इज अ स्टेट्स ऑफ यूनियन। ठीक है, हम बात करेंगे भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है, यानी इसके राज्यों को भारत से अलग नहीं किया जा सकता, यदि वो चाहें तो भी अलग नहीं हो सकते हैं। किस अनुच्छेद के कारण, अनुच्छेद बन के कारण। ठीक है, तो अब हमने जाना क्या होता है, अनुच्छेद बन के बारे में हमने बात की, अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। ठीक, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 2 के बारे में। ठीक, अनुच्छेद 2, देखिए अनुच्छेद 2 में कह रखा है कि संसद, जो हमारी संसद है, वह बिना राष्ट्रपति के अनुमति के किसी बाहरी देश, कोई बाहरी देश है उसको शामिल कर सकती है, या बाहरी देश के कोई राज्य को अपने देश में शामिल कर सकती है, यानी भारत में शामिल करने का अधिकार है, या फिर वह देश या उस देश का कोई हिस्सा भारत में स्वयं इच्छापूर्वक स्वयं स्वेच्छा से शामिल होना चाहे तो भी वह हो सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि यदि कोई बाहरी देश का कोई छोटा टुकड़ा अपनी स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहे तो हो सकता है, या भारत किसी देश को या उसके कुछ हिस्से को अपने देश में शामिल करना चाहे तो कर सकता है, वो भी बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। ठीक है, तो इसमें क्या रखा है कि विदेशी राज्य को शामिल करने की बात कही गई है इस अनुच्छेद में। हमारे क्या कहा गया था, विदेशी राज को शामिल करने की बात कही गई है बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। संसद क्या कर सकती है, इस अनुच्छेद का प्रयोग करके किसी भी विदेशी राज्य या विदेशी या भी कोई बाहरी देश को अपने देश में शामिल कर सकती है। अब जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो सिक्किम, सिक्किम क्या था, जो 1974 के पहले क्या था, सिक्किम हमारे देश में शामिल नहीं था, यानी वो हमारे देश का राज्य नहीं था, वह क्या था, एक स्वतंत्र देश के रूप में था। तो क्या हुआ, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिक्किम क्या था, सिक्किम ने स्वयं स्वेच्छा से उसने भारत से कहा कि हमें आपके देश में शामिल कर लीजिए। अब क्यों कहा, तो उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अब सिक्किम से चाइना का बॉर्डर लगता है, तो चाइना ने क्या किया था, चाइना ने तिब्बत को, तिब्बत भी क्या था, एक स्वतंत्र देश के रूप में था, लेकिन क्या था, चाइना ने तिब्बत पर जबरन क्या कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। अब क्या था, और उसने चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, कब्जा करने के साथ साथ वहाँ के जो नागरिक थे उनको क्या किया, पूरे विश्व में फैला दिया, यानी भगा दिया, यानी उनको अपने, उनके नागरिकों को, यानी तिब्बत के नागरिक को अपने पास नहीं रखा, यानी अपनी चाइना की क्या थी, नागरिकता नहीं दी, उनको दूर दराज कहीं देश मतलब किसी भी क्षेत्र में भेज दिया।
तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, सिक्किम को भी डर लगने लगा कि यदि ऐसा ही हमारे साथ हुआ तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सिक्किम ने क्या सोचा कि अभी तिब्बत के साथ हुआ है, कुछ दिनों बाद हमारे ऊपर भी कब्जा हो जाएगा। तो सिक्किम ने क्या कहा, हमें बचना है तो हम क्या करेंगे, भारत के साथ मिल जाए तो हमारा क्या अस्तित्व बच जाएगा। और भारत को सिक्किम समझता था कि सिक्किम जानता है कि भारत हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा कि हमारे राज को ले गए, हमारे देश को ले लेगा और उसकी उसको नागरिकता नहीं देगा। तो वह अच्छी तरह से जानता था कि भारत की ऐसी कोई विस्तारवाद की नीति नहीं रही है कि आपको शामिल कर ले और आपको कोई सुविधाएँ ना दे। ठीक, तो उसने क्या कहा, भारत को प्रस्ताव रखा कि आप हमें अपने देश में शामिल कर लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। ठीक, तो क्या हुआ, तो इस बात पर भारत सरकार ने विचार करके क्या किया, एक संविधान संशोधन किया। क्या किया, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, जिसमें एक अनुच्छेद 2 का अनुच्छेद क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि सिक्किम भारत का क्या है, सह राज्य है। सिक्किम को अभी क्या है, पूर्णता राज्य नहीं बताया, अभी केवल हमारे सह राज्य बताया। क्या है, सिक्किम भारत का क्या है, सह राज्य है। सहराज मतलब सहयोगी के रूप में, यानी पूर्णता राज्य अभी हमें नहीं, मतलब सिक्किम को नहीं बनाएगा। उसका कारण भी है कि वह जानना चाहते थे कुछ पेट के समय रुक कर कि सिक्किम अपने मतलब सही से रहेगा तो उसको पूर्णता राज्य बनाएंगे, नहीं तो उसको सहराज ही रखेंगे, यानी केवल हम उसकी रक्षा करेंगे, उसको पूर्णता हम अधिकार नहीं देंगे जो एक देश के नागरिक को देना चाहिए। ठीक, तो उसको सर्वप्रथम क्या कहा, अनुच्छेद 2 का किसके तहत ला गया, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत अनुच्छेद 2 का को ला गया, जिसमें कहा गया कि सिक्किम भारत का क्या है, एक सहराज्य, केवल सहराज्य। ठीक, तो इस प्रकार हमारा अनुच्छेद 2 का जुड़ा। लेकिन कुछ समय पश्चात 36वां संविधान संशोधन हुआ 19 मई 1975 में। कब हुआ, 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन हुआ 19 मई 1975 में। ठीक, तो इस संविधान संशोधन में सिक्किम को क्या कर दिया, भारत का पूर्ण राज घोषित कर दिया, यानी अब भारत जो हमारा सिक्किम था उसको भारत का 22वां राज घोषित कर दिया गया। कब, 19 मई 1975 में, किसके तहत, 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज घोषित कर दिया और पूर्णता राज, यानी अब वो हमारे पूर्ण, जैसे उसके जो नागरिक होंगे उनको भी भारत की नागरिकता मिलेगी और जो सुविधाएं भारत के हर नागरिक को मिलती है वो भी हमारे सिक्किम को मिलेगी, यानी वो हमारे एक पूर्ण राज के रूप में हमारे साथ शामिल हो गया। तो हमने देखा कि हमारा जो अनुच्छेद 2 में बात कही गई थी कि संसद किसी भी बाहरी देश या उसके छोटे से टुकड़े को शामिल कर सकती है, और यदि वह देश भी स्वयं आपस में शामिल होना चाहे तो उसे भी शामिल कर सकती है। जैसे हमने देखा सिक्किम भी एक पहले स्वतंत्र देश था, लेकिन वह अपनी सुरक्षा के लिए क्या, उसने देश हमारे भारत से क्या है, प्रस्ताव रखा कि आप हमें अपने देश में शामिल कर लीजिए जिससे हमारी रक्षा हो सके। और भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को माना और क्या किया, उन्होंने 35वां संविधान संशोधन करके, कब किया, 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद 2 का जोड़ा, जिसमें कहा गया सिक्किम भारत का क्या है, सहराज्य। सिक्किम क्या है, भारत का सहराज्य, यानी अभी पूर्णता हमें राज नहीं मिला है। फिर क्या किया, कुछ समय पश्चात सोच विचार कर क्या किया, फिर क्या किया, 36वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया, 19 मई 1975 में, जिसमें कह दिया गया कि भारत जो सिक्किम है भारत का कौन सा 22वां पूर्ण राज बन चुका है। ठीक, तो इस प्रकार सिक्किम हमारा क्या हुआ, भारत में शामिल हो गया। तो देखते हैं 19 मई 1975 36वां संविधान संशोधन की में हमारा जो सिक्किम था वह हमारे भारत का 22वां राज बना दिया गया। ठीक, तो ये था हमारा अनुच्छेद 2। ठीक, हमने दोबारा भी देख लिया अच्छे से समझने के लिए। चलिए,
तो अब हम बात करेंगे आगे की, यानी अनुच्छेद 3 की, फिर 4 की, फिर आगे कुछ और बात करेंगे, ठीक। चलिए चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, ठीक। तो अनुच्छेद 3 में हम बात करते हैं क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि जो संसद है वह बिना राष्ट्रपति के अनुमति के भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। एक बार फिर से, जो हमारा अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद बिना राष्ट्रपति के अनुमति के भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है अपनी स्वेच्छा अनुसार, ठीक। तो इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्या नहीं, क्या क्या इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि संसद किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक, घटाया बढ़ा सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक। यानी जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो हमारे पास क्या था, जो 1 नवंबर सन 2000 के पहले जो हमारा मध्य प्रदेश था, वह क्या था, अभी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश और झारखंड है उसको मिलाकर केवल मध्य प्रदेश था 1 नवंबर सन 2000 के पहले। लेकिन क्या है, 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 में क्या हुआ, संसद ने क्या किया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को क्या किया, अलग कर दिया। लेकिन इससे पहले क्या था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पूरा एरिया मिलाकर क्या था, केवल मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता। अब क्या किया, इस अनुच्छेद का प्रयोग करके संसद ने क्या कर दिया, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश को 2 भागों में तोड़ दिया। एक भाग मध्य प्रदेश हो गया और दूसरा भाग क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। क्या हुआ, MP से यानी मध्य प्रदेश से क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1 नवंबर सन 2000 को। लेकिन इससे पहले क्या था, जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया भी MP में शामिल था, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 के बाद MP से छत्तीसगढ़ को क्या किया, परिवर्तित कर दिया, मतलब विभाजित कर दिया। तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, सीमा में परिवर्तन हो गया, क्षेत्रफल में भी कमी आ गई। जब दोनों एक ही में थे, यानी केवल मध्य प्रदेश था पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा MP मिलाकर, तो क्या था, बड़ा क्षेत्रफल था। लेकिन अब क्या हुआ, उसमें से क्या, 2 भाग कर दिए, एक MP हो गया, एक दूसरा हो गया छत्तीसगढ़। तो अब क्या हुआ, क्षेत्रफल क्या हुआ, कम हो गया, यानी क्षेत्रफल में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। यदि यह अनुच्छेद नहीं होता तो संसद क्या ऐसा कर पाती, नहीं कर पाती। यानी यदि ये जो आर्टिकल नहीं होता तो संसद किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती थी। अब ये अनुच्छेद है तो उसने उसका प्रयोग किया, MP को 2 भागों में विभाजित कर दिया। कब किया, 1 नवंबर सन 2000 को MP को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक को MP का नाम दे दिया, एक को छत्तीसगढ़, ठीक। इसी प्रकार दूसरा भी स्टेट, 9 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ, उत्तर प्रदेश पहले इस डेट्स के, यानी 9 नवंबर सन 2000 से पहले जो उत्तराखंड था, और जो उत्तराखंड है और जो UP है, वह क्या था, पहले एक ही राज्य था जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता था। लेकिन अब क्या है, अब 9 नवंबर सन 2000 के बाद उत्तर प्रदेश से क्या हुआ, उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, यूपी से उत्तराखंड को क्या कर दिया, अलग कर दिया गया, ठीक। किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक। इसी प्रकार हमारा 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया, पहले बिहार झारखंड भी क्या थे, एक थे, ठीक है। अब क्या कर दिया, उनके क्षेत्रफल में, उनके 2 भागों में विभाजित कर दिया, तो क्या हुआ, क्षेत्रफल में कमी आ गई, यानी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, क्षेत्रफल में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा, ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ पर 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, ठीक। तो ये था हमारा अनुच्छेद 3, जिसमें कहा गया कि संसद राष्ट्रपति के अनुमति के बिना किसी भी राज्य के नाम,
सीमा क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है, जिसके तहत उसने एक नंबर संदोयार को एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया, यानी पहले जो एमपी और छत्तीसगढ़ एक मिलाकर राज्य था, अब उसको क्या हुआ, दो भागों में विभाजित कर दिया, एक को नाम दे दिया एमपी, दूसरे को नाम दे दिया छत्तीसगढ़। ऐसे ही नौ नंबर संदोयार को पहले जो यूपी और उत्तराखंड एक साथ थे, अब उसको भी क्या कर दिया, विभाजित कर दिया गया, एक को नाम दे दिया यूपी और दूसरे को नाम दे दिया उत्तराखंड। इसी प्रकार हमारा 15 नवंबर सन 2000 को जो बिहार और झारखंड पहले एक थे, अब उनको दो भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, उसको क्या बिहार, दूसरे को क्या कर दिया झारखंड। ठीक, तो इस प्रकार अभी हम देखते हैं हमारे पास ठीक 28 राज्य हैं। ठीक, आगे देखते हैं, अब अनुच्छेद 3 की बात हो गई, अब अनुच्छेद 4 की बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद 4 की। तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया, अनुच्छेद में 4 में बात की गई है, अनुच्छेद 4 ठीक, इसमें कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 का प्रयोग कर रही हो तो उसमें संसद को राष्ट्रपति के अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी विवाद पर तब हस्तक्षेप कर सकता है जब उसका उल्लेख इसमें आर्टिकल 368 में हो। यदि इसका ये जो आर्टिकल 2 और 3 की बात यहाँ हो रही है, यदि वो 368 में होती, आर्टिकल 368 में होती, तो वहाँ पर राष्ट्रपति क्या करता सकता था, हस्तक्षेप कर सकता था, वह संसद को कह सकता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या कुछ भी सफाई मांग सकता था। लेकिन अभी यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसको आर्टिकल 368 में नहीं रखा गया, इसको आर्टिकल 2 और 3 में रखा गया, और अनुच्छेद 4 में साफ हिदायत दी गई है कि यदि संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करना चाहे तो कर सकती है, उसके लिए राष्ट्रपति की कोई अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है जब अनुच्छेद 2 व 3 का प्रयोग संसद करे, क्या करे, संसद अनुच्छेद 2 का और 3 का प्रयोग करे, तो राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें साफ कहा गया है। तो क्या हमने देखा कि संसद और संसद के काम में राष्ट्रपति बाधा नहीं डाल सकता आर्टिकल 4 के तहत, किस किस में, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, यानी संसद इसमें जो किसी भी विदेशी राज या किसी भी देश को, बाहरी देश को आपस भारत में शामिल कर सकता है, उसके लिए भी क्या राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा अनुच्छेद जिसमें कहा गया है कि संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, वह भी यदि करना चाहे तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए वगैरह ही ये काम कर सकता है। और उसने किया भी, एक नंबर संदोयार को एमपी को छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया, नौ नंबर संदोयार को यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया, और 15 नंबर संदोयार को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। इसी प्रकार जो हमने आर्टिकल 2 देखा था, उसमें भी हमने क्या, सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था, जो दूसरा देश था उसको उसकी सहमति से भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इन दोनों आर्टिकल का प्रयोग करते हुए संसद को राष्ट्रपति की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 4 के तहत। ठीक, चलिए अब हमने क्या किया, हमने आर्टिकल जितने भी आर्टिकल्स थे, यानी जो भाग 1 था हमारा, संघ और राजक्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसमें जो चार अनुच्छेद थे, ठीक, तो उनको हमने अच्छे से जाना, उनके बारे में हमने जाना। जैसे कि चलिए अब एक बार जल्दी रैपिड फायर उसको रिवीजन करते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 में क्या कहा था, अनुच्छेद 1 में कह रखा था कि भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है, उसमें अब संघ नहीं कहेंगे, भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है, इंडिया इज अ स्टेट ऑफ यूनियन, अर्थात भारत के राज्यों को भारत से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक। और अनुच्छेद 2 में कहा गया था कि संसद राष्ट्रपति के बिना अनुमति के किसी भी बाहरी देश या उसके कुछ हिस्से को भारत में शामिल कर सकता है। ठीक, और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति के बिना अनुमति के
किसी राज्य, किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करे तो राष्ट्रपति की इसमें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए अब इसी प्रकार हम कुछ और बातें जानते हैं इससे, इसी से ही रिलेटेड कुछ अन्य बातें जो हमें जानना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह प्राचीनतम काल से ही क्या है, एक अखंड भारत के रूप में रहा है। लेकिन अभी क्या है, कुछ विभाजनों के कारण वह अखंड भारत के रूप में नहीं है, लेकिन प्राचीनतम काल से हम अखंड भारत के रूप में रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं मगध के, मगध साम्राज्य में तब हमारे पास जो नंद राजा थे उनके उनके रूप में, उस शासक के रूप में हमारा जो भारत था एक अखंड भारत के रूप में था। हमारा जो सीमा थी वो म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक थी, अफगानिस्तान के गांधार तक। ठीक, तो हम क्या है, प्राचीनतम काल से ही एक अखंड भारत के रूप में रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जो हमारे देश में कुछ ब्रिटिशर्स और कुछ जो वेस्टर्न पीपल आए, उन्होंने क्या हुआ, हमारे जो विविधता को, हमारी जो डाइवर्सिटी को, उन्होंने हमारी डाइवर्सिटी को डिफरेंस घोषित कर दिया। यानी उन्होंने हमारी विविधता को, हमारी भिन्नता को बता दिया। यानी उन्होंने हमारी विविधता को कुछ अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया, यानी कुछ अलग परिप्रेक्ष्य में दिखाया, जिससे हमारे ही अंदर फूट पड़ी और हम धीरे धीरे विभाजित होते गए। जबकि जब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य में, जब नंद या हम अशोक के साम्राज्य की बात करते हैं, या हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की, जैसे गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता था, यानी भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था थी या जो सामाजिक व्यवस्था थी और अर्थव्यवस्था थी वह बहुत ही ज़्यादा लिबरल, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जब अन्य विश्व में अन्य संस्कृतियाँ जब पनप भी नहीं रही थी, तब हमारे पास इस प्रकार की कोई एक ऐसी व्यवस्था थी जब पूरे विश्व का जो हमारे भारत केवल ट्रेड करता था, वह 42% अकेले भारत पूरे विश्व में ट्रेड करता था। कब? गुप्त साम्राज्य के समय, यानी 6 AD के समय, 6th century AD के समय की बात है, जब गुप्त साम्राज्य था। उसमें क्या था, हमारे जो समुद्रगुप्त शासक थे उनके समय में हमारा जो भारत है वह विश्व में 42% ट्रेड अकेले खुद करता था। ठीक, तो उस समय हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय हम एक अखंड भारत के रूप में थे, यानी जो हमारी जो सीमाएं थी वो म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक जाती थी। ठीक, यानी हम बात करें तो हमारे जो विश्व में, जो जैसे हम कहें कि विश्व में 100 रुपये हमारा घूम रहा है, तो उसमें केवल हमारा ही 42 रुपये होता था, यानी हमारी ट्रेड इतना ज़्यादा होता था। ठीक, यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा जो हिस्सा था बहुत ही ज़्यादा था, और हम इसलिए सोने की चिड़िया कहे जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारे उसके बाद जो कुछ ब्रिटिशर्स आए और वेस्टर्न लोग आए, उन्होंने हमारी क्या है जो विविधता थी, जब हम इस समय गुप्त साम्राज्य में हमारी विविधता, हम अपनी विविधता को समझते थे कि हम उसमें एक रह सकें, और एक रहते हुए हमने क्या हुआ, अपने देश को समृद्ध बनाया, अखंड भारत के रूप में रहे। सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक स्थिति थी हमारी उस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ठीक, तो हम शुरुआत से ही एक अखंड भारत के रूप में रहे हैं। और उस ठीक, तो अब बात करते हैं, अब इसका कैसे विभाजन हुआ, क्या हुआ, उसकी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं अफगानिस्तान, तो सबसे पहले हुआ अफगानिस्तान का विभाजन, यानी अखंड भारत से एक हिस्सा टूट गया। कब? 1893 में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ। क्या हुआ, अब कारण पता नहीं है, लेकिन 1893 में भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ। क्या ड्रंड रेखा खींच दी गई? क्या ड्रंड रेखा खींच दी गई और भारत से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। ठीक, फिर दूसरा विभाजन होता है हमारा म्यांमार का। म्यांमार क्या होता है, हमारा अलग हो जाता है 1935 में, भारत को म्यांमार से अलग कर दिया जाता है। और फिर जो तीसरा विभाजन होता है, जो एक धर्म संप्रदाय के रूप में होता है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही गलत साबित हुआ था, वह क्या था, पाकिस्तान का विभाजन। वह हुआ था
47 में, ठीक। ये विभाजन एक संप्रदाय के यानी एक धर्म के पर्सपेक्टिव से हुआ था, इसलिए ये गलत था, यानी इसमें एक धर्म को लेकर हमारा विभाजन हुआ था। तो इस विभाजन में हमारा जो देश था वो क्या हुआ था, इसमें एक पूर्वी पाकिस्तान हो गया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान हो गया था। किन दो भागों में बटा था, एक हुआ था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, और एक था पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक। तो पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम वर्तमान में अभी क्या कहते हैं, बांग्लादेश के रूप में जाना जाता था, जैसे 1971 के बाद बांग्लादेश एक अलग देश घोषित कर गया। लेकिन जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, यानी हमारा भारत आज़ाद हुआ था, और भारत से जो विभाजन हुआ था उसमें एक पूर्वी पाकिस्तान बना था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान में वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश यानी 1971 में इसे क्या हुआ था, 1971 में इसे क्या हुआ था, बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में प्रदर्श यानी व्यवस्थित कर दिया गया था, और पश्चिमी पाकिस्तान जिसे हम पाकिस्तान के रूप में अभी भी जानते हैं, ठीक। तो इस प्रकार अब जो हमारे पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो बॉर्डर होती है उसे हम कहते हैं, वो जो लाइन खिंची है यानी उसकी सीमा जो है उसे कहते हैं हम रेड क्लिफ रेखा यानी रेड क्लिफ लाइन, ठीक। और जो हमारे बांग्लादेश और हमारे भारत के बीच में खिंची है उसे हम जीरो लाइन, ठीक, जीरो लाइन बॉर्डर के नाम से जानते हैं, ठीक। तो हमने देखा कि जो हमारा हमारे अखंड भारत का जो प्रथम विभाजन हुआ था वह हुआ था 1893 में, क्या हुआ था, ड्रंड रेखा खींच दी गई थी और अफगानिस्तान को भारत से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। और दूसरी होता है 1935 में, जब म्यांमार को भारत से अलग किया जाता है, ठीक। फिर तीसरा होता है 1947 में, जो एक धर्म के रूप में हुआ था विभाजन, ठीक। तो उसमें क्या हुआ था, पूरी एक और पूर्वी पाकिस्तान, एक और पश्चिमी पाकिस्तान, और हमारा भारत तो था ही, ठीक। तो इसमें ठीक, तो इसमें जब पूर्वी पाकिस्तान को 1971 में क्या बांग्लादेश बना दिया गया, एक अलग देश के रूप में व्यवस्थित कर दिया गया, और पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी भी है उसमें उसको क्या हुआ, उसके और हमारे भारत के बीच में जो बॉर्डर रेखा है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, और जो हमारे बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रेखा है बॉर्डर है वह क्या है, जीरो लाइन बॉर्डर, उसे नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये था हमारा अखंड भारत के रूप में। और आगे बात करें तो इसमें जब देश हमारा आज़ाद हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने जब वो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे, तब हमारा जो देश था भारत, अब हम भारत की बात कर लेते हैं, ठीक। भारत कुल मिलाकर 552 देसी रियासतों में, 552 देसी रियासतों, 552 देसी रियासतों में क्या हुआ था, विभाजित था, यानी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कब, जब हमारा 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे, तब हमारा जो देश था वह 552 छोटी छोटी देसी रियासतों में बटा हुआ था। अब इसमें ये चुनौती थी कि अब इन देसी रियासतों को शामिल कैसे किया जाए, यानी हमारे भारत में, यानी हमारे भारत को एक अखंड भारत के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाए। अखंड भारत से मतलब है अब इन 552 देसी रियासतों को हम कैसे एक देश के रूप में संगठित करें। तो फिर जब, और जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो उन्होंने जो देसी रियासतें थी उनको क्या कहा था, तीन ऑप्शन दिए था जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे कि ये देसी रियासतें क्या क्या कर सकती हैं। पहला था कि उन्होंने कहा था कि या तो ये देसी रियासतें अपनी स्वेच्छा से एक अलग स्वतंत्र देश बना सकती हैं, यानी स्वतंत्र देश के रूप में रह सकती हैं, स्वतंत्र देश के रूप में रह सकती हैं, ठीक। दूसरा कहा था कि ये चाहे तो पाकिस्तान में भी मिल सकती हैं, क्या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, ठीक, कोई भी शामिल हो सकती हैं। तीसरा था भारत में शामिल हो सकती हैं, ठीक। तो उन्होंने
उन्होंने ये तीन ऑप्शन दिए गए थे स्वतंत्र रूप से आपस, मतलब जो देसी रियासतें हैं वह स्वतंत्र देश के रूप में भी रह सकती हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, और भारत में शामिल होना चाहें तो भारत में शामिल हो सकती हैं। ये जो हमारे जो वेटर्स थे वह हमारे कह गए थे, ठीक, क्या कह गए थे कि जो हमारी 552 देसी रियासतें हैं उनमें उनको बिना किसी दबाव के वह स्वतंत्र देश के रूप में भी रह सकती हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहें तो पाकिस्तान में भी हो सकती हैं, और भारत में शामिल होना चाहें तो भारत में भी शामिल हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे जो हमारा जो 552 देसी रियासतें थीं उनको कैसे एकत्रित किया गया, तो उसके बारे में हम देखें तो उसका जिम्मा हमारी जो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं यानी भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि वह इन 500 देसी रियासतों को एक अखंड भारत के रूप में व्यवस्थित करें, ठीक है, यानी सबको एक एकता के सूत्र में बांधें। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ उनके दो सहयोगियों ने भी इसमें मदद की, जिनका नाम था जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको यह जिम्मेदारी दी गई थी, वल्लभ भाई पटेल इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इन सभी 552 देसी रियासतों को एक अखंड भारत के रूप में व्यवस्थित करें। अब इनका जो साथ दिया था यानी इन सभी रियासतों को मिलाने में इनको जो साथ दिया था वह एक थे बीपी मेनन और दूसरे व्यक्ति थे लॉर्ड माउंटबेटन। क्या थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया था, भारत को एक अखंड भारत के रूप में व्यवस्थित करने में सहायता की थी, ठीक। तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया, 552 में से 549 देसी रियासतों को तो भारत में शामिल कर लिया था, 549 देसी रियासतों को क्या कर लिए थे, भारत में शामिल कर लिया था, लेकिन केवल तीन जो देसी रियासतें रह गई थी वह क्या कर रही थी, वह दिक्कत कर रही थी कि वो कह रही थी हम भारत में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब भी कौन कौन सी रियासतें हैं उनके देख लेते हैं। तो तीनों देसी रियासतों में तीन देसी रियासतें जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी वह थी, पहला नाम था जम्मू कश्मीर, दूसरा नाम था जूनागढ़, तीसरा नाम था हैदराबाद, ठीक। बाकी जो 549 जो देसी रियासतें थी वो हमारे भारत में शामिल हो गई, उन्होंने विलय पत्र में हस्ताक्षर किए कि हम भारत को एक अखंड भारत के रूप में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो लास्ट में जो तीन बची थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन तीनों देसी रियासतों ने हमारे भारत में शामिल होने से मना कर दिया। अब भाई इनको हम ये भी नहीं कह सकते थे, मतलब जबरन नहीं, इसमें हम नहीं कह सकते थे कि आप हमारे पास आइए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप इनको जबरदस्ती यानी इनको हम जबरन अपने देश में शामिल यानी एक अखंड भारत के रूप में हम इसे व्यवस्थित नहीं कह सकते जबरन। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जानते हैं उनका दिमाग बहुत ही तेज चलता है, तो इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जम्मू कश्मीर में, ठीक, तो जम्मू कश्मीर में उस समय जो राजा थे वह थे श्री हरि सिंह, ठीक। तो उनका राजा का नाम क्या था, हरि सिंह। तो उन्होंने क्या कहा था कि हम एक अलग देश बनाएं, मतलब हम स्वतंत्र रहेंगे, ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे ना ही हम भारत में जाएंगे, हम एक स्वतंत्र देश के रूप में रहेंगे। जैसा कि ब्रिटिशर्स ने तीन ऑप्शन दिए थे कि या तो देसी रियासतें स्वयं का मतलब स्वतंत्र देश के रूप में रख सकती हैं, या भारत में जा सकती हैं, या पाकिस्तान में जा सकती हैं। इस प्रकार तो इसी के तहत जम्मू कश्मीर कहने लगा कि हम क्या करेंगे, यानी जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वह कहने लगे कि हम भारत ना तो भारत में जाएंगे ना ही पाकिस्तान में जाएंगे, हम क्या करेंगे एक अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में रहेंगे,
ठीक है, अब जो जम्मू कश्मीर था उसका राजा तो हिंदू था, लेकिन उस राज्य में यानी उस देसी रियासत में जो अधिकतर जो जनसंख्या थी वह कहती मुस्लिम धर्म की थी, ठीक है, मुस्लिम लोगों की थी यानी इस्लामिक लोगों की थी, ठीक। तो राजा क्या था, हिंदू था, और वो कह रहा था कि हम देश में मतलब हम भारत देश में शामिल नहीं होंगे, ना ही पाकिस्तान में, हम एक स्वतंत्र देश के रूप में रहेंगे। तो इसने विलय पत्र पर साइन नहीं किया, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, नहीं किया तो कुछ समय पश्चात जो पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, यानी जम्मू कश्मीर में वह घुसपैठ कर दी पाकिस्तान ने कि वह हमारे अंदर आ जाए, ठीक। तो पाकिस्तान ने घुसपैठ कर दी, फिर जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे श्री हरी सिंह, वह हमारे पास आते हैं, मतलब भारत के प्रधानमंत्री जो उसका उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में पाकिस्तान पाकिस्तान वालों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप अपनी सेना को भेजिए और हमारी रक्षा कीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे, उन्होंने भेजना भी मतलब उन्होंने कहा कि हम भेज देंगे, लेकिन उसी समय जब जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कहा नहीं, अभी हम नहीं भेजेंगे, आपको एक शर्त है उसको मानना पड़ेंगे, यदि आप उस शर्त को मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे, आप हमारे मतलब हम अपनी सेना को भेजकर आपके जो राज्य है या आपकी रियासत है उसको हम बचाएंगे। तो क्या क्या शर्त क्या रखी थी, शर्त रखी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, शर्त रखी कि आपको हमारे देश में शामिल होना पड़ेगा, यानी विलय पत्र में मतलब विलय पत्र में हस्ताक्षर करने होंगे। तो इसी के तहत 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने भारत के विलय पत्र पर साइन किया, यानी भारत में शामिल होने के की जो विलय पत्र था यानी जो दस्तावेज थे उस पर साइन किया और जो जम्मू कश्मीर है भारत का एक हिस्सा बन गया। लेकिन तब तक क्या था, तब तक जो जो पाकिस्तान वालों ने क्या किया था, भारत मतलब सॉरी जम्मू कश्मीर में क्या किया था, आक्रमण कर दिया था। तो तब तक क्या उन्होंने जो पुंज राजौरी और कुछ नौशहरा जैसे क्षेत्रों में क्या हुआ, उन्होंने पहले से ही कब्जा कर लिया था, जिसे अब POK के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो उस समय तक उन्होंने क्या किया था, वहाँ तक कब्जा कर लिया था और फिर उसके आगे वह नहीं कर पाए क्योंकि हमारी जो भारतीय सेना है वह वहाँ पर पहुँच गई थी और भारतीय सेना ने उन पाकिस्तान वालों को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया उसके आगे, और वहाँ से भी पुंज और नौशेरा और जो राजौरी के क्षेत्रों से उनको और पीछे ढकेल दिया। लेकिन तब भी कुछ हिस्सा उन्होंने कब्जा लिया था, जिसे आज हम POK के नाम से जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम बात की जम्मू और कश्मीर को कैसे हमने विलय पत्र किया, तो बाद में विलय पत्र में शामिल किया, ठीक। अब दूसरी रियासत आती है, उसका नाम है जूनागढ़। अब जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ गुजरात का एक देसी रियासत थी जो कह रही थी कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, ठीक। वह क्या कह रहा था, हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि इस जो जूनागढ़ देसी रियासत का जो राजा था वह क्या था, एक मुस्लिम था, ठीक। और उसमें जो अधिकतर जनसंख्या थी वह क्या थी, हिंदुओं की थी, ठीक। तो राजा क्या चाहता था कि हम पाकिस्तान में शामिल लो, लेकिन जनता शायद ऐसा नहीं चाहती थी। फिर क्या क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि जनमत संग्रह कराए, क्योंकि उस समय यह व्यवस्था थी कि जनमत संग्रह कराकर यदि उस देशी रियासत के लोग यदि चाहें तो मतलब वो उनके राज्यों के लोगों से पूछा जाएगा कि आप कहाँ शामिल होना चाहते हैं। हाँ, तो जो जूनागढ़ देसी रियासत थी वहाँ पर क्या हुआ, जनमत संग्रह हुआ। तो जनमत संग्रह कराया गया तो वहाँ देखा गया तो जो वहाँ की अधिकांश जनता थी वह क्या चाहती थी कि हम भारत में शामिल हों, और केवल वहाँ का जो राजा था जो मुस्लिम संप्रदाय से था और कुछ वहाँ के जो क्षेत्रीय जो लोग थे वह चाहते थे, लेकिन अधिक संख्या में जो था वह लोग क्या चाहते थे कि हम भारत में शामिल हों। तो जनमत संग्रह के माध्यम से क्या हुआ, जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया। अब तीसरी बात आती है, अब तीसरा है हैदराबाद, ठीक। अब हैदराबाद भी क्या होता, वो भी कह रहा था कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, ठीक, चाहते हैं।
तो उस समय क्या था, अब इसको क्या था, अब इसको हम जबरदस्ती भी शामिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने कहा था कि स्वतंत्र रूप से आप किसी में भी, या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या स्वतंत्र देश बनाएं। तो ये कह रहा था कि हम क्या करेंगे, पाकिस्तान में शामिल होंगे। लेकिन अब ये, अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद जो कि अभी तेलंगाना के एक बहुत ही प्रमुख शहर के रूप में है, यदि अब आप इमेजिन कीजिए कि यदि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाता, तो अभी इस समय में जो हमारी स्थिति है वह कैसी होती, मतलब बहुत ही दिक्कत होती ना, कि जब फिर वो बीच में हो जाता पाकिस्तान का एक राज्य, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती ना। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस समस्या को समझा कि यह चीज़ आगे चलकर हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑपरेशन पोलो किया, उसके तहत ऑपरेशन 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 पोलो किया, पोलो ऑपरेशन का क्या नाम था, पोलो। उसमें क्या किया, उसमें पुलिस की वर्दी में, क्या क्या पुलिस के वर्दी में सेना को, सेना के जवानों को भेज दिया, और वहाँ के लोगों से क्या क्या वहाँ के लोगों को समझाया, और वहाँ पर सख्ती कराकर वहाँ से क्या किया, वहाँ की देसी रियासत को भारत में शामिल करा लिया गया। किस किसके तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत क्या किया, उसमें क्या किया, पुलिस की वर्दी में भेजकर किसको, सैनिकों को, सैनिक सेना के जवानों को पुलिस की वर्दी में भेजकर वहाँ से जबरदस्ती उसको शामिल कर दिया गया। लेकिन अब उसको हम सीधे सेना क्यों नहीं भेज सकते थे, क्योंकि उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उसने साफ कहा था कि आप जबरदस्ती किसी भी देसी रियासत को शामिल नहीं कर सकते। लेकिन अब चूंकि ये हमारे हैदराबाद बिल्कुल सेंटर में था, और यहाँ पर ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर यदि हम पाकिस्तान में भेज देते तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत होती। ये क्या, ये बात हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो जानते। तो उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन पोलो चलाया, ऑपरेशन पोलो के तहत उन्होंने पुलिस की वर्दी में सेना के जवानों को भेजा, और वहाँ पर क्या किया, वो हैदराबाद को भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए। ठीक, तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार हमारे जो तीनों जो देसी रियासत थे उनको हमारे भारत में शामिल किया गया। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, जब ये तीनों देसी रियासत और जो 549 जो पहले ही हमारे भारत में मतलब एक अखंड भारत के रूप में हो चुकी थी, अब उसको क्या हुआ था, राज्यों में बांटना था। ठीक, तो राज्यों में बांटने के लिए क्या हुआ, उसको शुरुआत में क्या कर दिया, चार राज्यों में बांटा गया। चार राज्य कौन कौन से थे उसकी बात कर लेते हैं अब हम। ठीक, तो हमारे जो 552 देसी रियासतें थी वो हमारे क्या हुआ, एक अखंड भारत के रूप में शामिल हो गई। ठीक, अब क्या था, अब प्रॉब्लम थी कि अब हम देश को राज्यों में बांटना था, तो हमारे देश को क्या हुआ, चार राज्यों में बांटा गया। तो चार राज्यों में बांटा गया, तो ए बी सी डी, चार राज्यों में बांटा गया। पहले राज्य का नाम था ए बी सी डी, यानी चार राज्य थे ए बी और सी और डी। ठीक, तो पहले राज्य में क्या था, ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक, ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब है कि वह स्थान, मैंने वह राज्य जहाँ पर ब्रिटिशर्स यानी जो ब्रिटिश अधिकारी थे या जो ब्रिटिश लोग थे वहाँ पर राज करते थे, शासन करते थे, वह क्षेत्र क्या था, ब्रिटिशर्स, यानी जो भी हमारे भारत देश में जो भी क्षेत्र था जहाँ भी जो ब्रिटिशर्स थे वह खुद शासन करते थे यहाँ पर, वहाँ पर उनका मतलब खुद शासन करते थे, यानी वहाँ पर कब्जा कर लिया था, पूर्ण पूर्ण तरीके से कब्जा कर लिया था। उस क्षेत्र को हमने क्या किया, ब्रिटिश प्रोविंस कहा गया, और उस क्षेत्र में हमारे क्या आते थे, नौ नौ रियासतें आती थी। ठीक, नौ रियासतें या नौ राज्य आते थे, क्या आते थे, नौ राज्य आते थे जहाँ जहाँ ब्रिटिश प्रोविंस ने क्या किया था, पूर्णता अपना अधिकार स्थापित कर रखा था, यानी पूर्णता कब्जा कर रखता था, तो उसको हमने ए के रूम में रखा। ठीक, अब बी की बात करते हैं, बी में आता है प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट से मतलब है देसी रियासतें, यानी वह राज्य जहाँ पर देसी रियासतें थी, यानी वहाँ पर देसी रियासतें थी, यानी वहाँ के राजा राज करते थे। तो ये भी क्या है, संख्या नौ है, इनकी भी संख्या क्या है, नौ है। ठीक, अब तीसरी आती है सी, इसमें था कमिश्नरी स्टेट, क्या था, कमिश्नरी
कमिश्नरी स्टेट्स। तो कमिश्नरी स्टेट्स वह स्थान थे जहाँ पर केवल मुख्य शहर, ऐसे मुख्य शहर थे जहाँ पर जो आर्थिक रूप से समृद्ध थे, जैसे मुंबई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता, चेन्नई, ऐसे जो कुल मिलाकर 10 स्टेट्स थे, मतलब 10 स्टेट्स क्या उनको 10 स्टेट्स कहा गया, लेकिन वो 10 मुख्य शहर थे जहाँ पर क्या होता, जो आर्थिक रूप से समृद्ध थे उनको जो ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या हुआ था, कब्जा कर रखा था, उनको हमने कमिश्नरी स्टेट्स के अंदर रखा। उनकी संख्या क्या थी, 10 थी। अब जो आर्थिक रूप से समृद्ध थे, ठीक। अब डी की बात करें तो डी में रखा गया यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया। उस समय हमारे पास केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, वह था अंडमान उपमहाद्वीप, तो उसको यूनियन टेरिटरी यानी डी के तहत रखा गया, ठीक। तो उस समय जब हमारे देश को 552 सभी देशी रियासतों को शामिल कर लिया गया था, उसके बाद हमारे देश को चार राज्यों में विभाजित किया गया था, ए, बी, सी और डी। ए में रखा गया था ब्रिटिश प्रोविंस, जहाँ पर पूर्णतः ब्रिटिशर्स का क्या था, शासन स्थापित था, उसमें राज्यों की संख्या क्या 9 रखी गई। फिर दूसरा था बी में, बी में आता है प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट में यानी जो देसी रियासतें हैं जहाँ पर राजा क्या करते थे, जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों में राजा राज करते थे, उनको उनकी संख्या 9 रखी गई। फिर आता है सी में कमिश्नरी स्टेट्स, मतलब है कि ऐसे मुख्य शहर जहाँ जो आर्थिक रूप से समृद्ध थे, वहाँ पर किसका आधिपत्य था, उस वहाँ पर था ब्रिटिशर्स का आधिपत्य था। तो उस क्षेत्र को यानी उन प्रमुख शहरों को क्या इसमें रखा गया, कमिश्नरी स्टेट्स में रखा गया, जिनकी संख्या क्या थी, 10 थी। और जो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अनुमान वर्ग को रखा गया था, कब, जब सभी 552 देशी रियासतों को अखंड भारत के रूप में शामिल किया गया था, ठीक। अब ये था, अब इसमें क्या थी, इसमें दिक्कत थी। अब जैसे अब चार राज्य थे पूरे भारत में, तो शासन करने में बहुत ही दिक्कत होती थी। तो कुछ समय पश्चात क्या हुआ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई, एस के धर कमेटी, उसका नाम क्या था, एस के धर कमेटी, क्योंकि ऐसे अब चार राज्यों में बटा हुआ है, तो ऐसे में कैसे किसी देश पर शासन करे, ऐसे बहुत मतलब बड़ा बड़ा क्षेत्र हो जाता है, तो उसमें शासन करना बहुत ही प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने एस के धर कमेटी बनाई, एस के धर समिति, ठीक। उसमें प्रस्ताव रखा गया कि भारत में क्या भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा होना चाहिए, यानी उसमें एक प्रस्ताव रखा गया। तो इस समिति ने साफ इनकार कर दिया कि भाषाई आधार यानी भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। और यह कमेटी कब, 1953 में, यह कमेटी का गठन कब हुआ था, 1953 में, और इस कमेटी ने साफ मना कर दिया था, यानी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था कि भारत में जो राज्यों का बंटवारा होगा वो भाषाई आधार पर होगा, ठीक। तो इस कमेटी के द्वारा प्रस्ताव को खारिज करने के बाद फिर एक और कमेटी बनाई जाती है, जिसका नाम है JBP समिति, ठीक, JBP समिति। इसको भी 1953 में, सॉरी दोस्तों, इसमें क्या है, जो 1953 नहीं है, 1948 है, ठीक। ये भी क्या है, 1948, ठीक, 1953 में तो फजल अली आयोग बनाया गया था, ठीक, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पर जो एस के दर समिति बनाई गई 1948 में, इसका गठन किया गया, और इसमें इस प्रस्ताव को साफ इनकार कर दिया गया कि भारत में राज्यों का जो बंटवारा होगा वो क्या होगा, भाषाई आधार पर होगा। इसने साफ मना कर दिया, इसने कहा कि भारत में राज्यों का बंटवारा भाषाई आधार पर नहीं होगा। फिर बनाई गई उसी ईयर में यानी 1948 में ही एक और समिति बनाई गई, JBP समिति। इसमें सदस्यों की संख्या 3 थी, कौन कौन सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और
पी से क्या पट्टावी सीता रमैया पट्टावी सीता रमैया। तो ये तीन लोगों की क्या थी, समिति थी, जिसे 1948 में गठित किया गया था। और इस कमेटी में भी क्या किया था, इस प्रस्ताव को रखा गया था कि क्या भारत में राज्यों का बंटवारा भाषाई आधार पर होना चाहिए। तो इस समिति ने भी साफ इनकार कर दिया कि भारत में जो राज्यों का बंटवारा वह भाषाई आधार पर नहीं होगा। ठीक, फिर इसी जब इस समिति के बनने के बाद यह निर्णय हुआ कि भारत का जो बंटवारा हुआ वह भाषाई आधार पर नहीं हुआ, तो जो अभी वर्तमान में जो राज्य है आंध्र प्रदेश, उससे एक व्यक्ति, इसका नाम था पेट्टू श्री रामलू, उसका क्या नाम था, उसका नाम था पेट्टू श्री रामलू नाम का ये व्यक्ति 1952 में क्या करता है, भूख हड़ताल कर देता है। किस कारण वह कर देता है, भूख हड़ताल करता है कि हमें जो हमारा अभी वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है राज्य, उसको भाषाई आधार पर विभाजित कर दीजिए, यानी हमें एक अलग भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाइए। किसने हड़ताल की, पेट्टू श्री रामलू ने, किसके लिए, भाषाई आधार पर अपने राज्य को विभाजित करने के लिए। कब की, 1952 में। उसने लगभग 56 दिन तक क्या किया, भूख हड़ताल थी, जिसके बाद क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, जिसके फलस्वरूप उसके जो क्षेत्र के लोग थे बहुत ही आक्रामक हो गए और दंगे अंगे होने लगे, बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थाएं बिगड़ गई। तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेबस होकर मजबूरन क्या किया, आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर विभाजित कर दिया। और इस प्रकार आंध्र प्रदेश हमारे भारत का पहला भाषाई आधार पर विभाजित होने वाला क्या हुआ, राज्य बन गया। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, बना दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, बना दिया तो और अन्य जो क्षेत्र के लोग थे वह भी क्या करने लगे, अपनी अपनी भाषाओं के, यानी जो मारवाड़ी थे वह कहने लगे थे हमारे पास राजस्थान होना चाहिए, जो मराठी थे वो कहने लगे हमारे महाराष्ट्र होना चाहिए। तो इस प्रकार से और अन्य क्षेत्रों में जो भाषा के आधार पर बंटवारे की मांग होने लगी। तो इसके आधार पर फिर क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने विवश होकर 1953 में एक आयोग का गठन किया, जिसका नाम था फजल अली आयोग का गठन किया। और उसमें सदस्यों की संख्या क्या थी, तीन थी। इस आयोग में प्रस्ताव रखा, फिर से रखा कि इसमें भारत में आप विचार कीजिए, यानी फजल अली आयोग में जो तीन सदस्य थे उनसे कहा गया कि आप विचार कीजिए कि क्या हम भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा करें। तो फिर इसको पर्याप्त समय दिया गया, फिर फजल अली आयोग ने 1956 में क्या हुआ, अपने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया कि हाँ वास्तव में भारत में जो राज्यों का बंटवारा होगा वो भाषाई आधार पर होगा। उन्होंने कहा इस जो आयोग था इसने भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारों को सहमति दी, और इसने कहा कि भारत में जो राज्यों की संख्या होगी वह होगी 14 राज्यों में बांट दिया और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, टोटल 20 राज्य इसने मतलब 20 राज्य उन्होंने बताए कि भारत में राज्यों को भाषाई आधार पर बंटवारा होगा, जिसमें 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अब भाई जो अब ये आयोग था, तो अब जो कि संविधान में तो लिखा नहीं था, तो लोगों की यह मांग थी कि इसको संविधान में भी जोड़ा जाए, हम ऐसे बात क्यों माने कि आपने कह दिया 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी भाषाई आधार पर। तो क्या हुआ, लोगों की मांग पर 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें कहा गया भारत में राज्यों का जो बंटवारा होगा वो भाषाई आधार पर होगा, जिसमें 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है प्रारंभ में। ठीक, तो यहाँ पर फजल अली आयोग ने क्या कर दिया, भाषाई आधार पर राज्यों को बंटवारा करने में मतलब प्रस्ताव को पारित कर दिया। और इसी संशोधन के तहत जो हमारे देश को 4 राज्यों में ए बी सी और डी में विभाजित किया गया
था इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और कहा गया कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे और इस जो ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स और कमिश्नरी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी वाला सिस्टम था इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। किसके तहत? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। ठीक, ये जो हमारा पुराना जो सिस्टम था उसको रद्द कर दिया और नया सिस्टम लाया जिसमें 14 राज्यों को और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया। चलिए दोस्तों, अब जो हमारा लास्ट जो टॉपिक रहेगा उसको और डील कर लेते हैं, फिर अपने लेक्चर्स को यहीं ख़त्म करते हैं। देखिए, लास्ट बात हो रही है कि अब यहाँ पर जो हमारे भारत में था एक पेप्सू राज्य था, एक पेप्सू राज के रूप में था। पेप्सू इसका फुल नेम था पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक है, पेप्सू राज था, स्टेट यूनियन जैसे शॉर्ट में क्या कहा जाता था, पेप्सू कहा जाता था। ठीक, प्रारंभ में ऐसा था। तो अब ये बहुत ही विवादित क्षेत्र था, इसमें अशांति, आंतरिक जो अशांति थी वो बनी ही रहती थी। अब इसमें क्या था, इस जो पेप्सू राज्य थे इसमें कौन कौन शामिल थे, इसमें क्या था, पंजाब शामिल था, हरियाणा शामिल था जो अभी वर्तमान में है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र था वह इस पेप्सू राज्य में आता था। ठीक, तब लेकिन क्या हुआ, उसको क्या कहा जाता, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन कहा जाता था। लेकिन अब उसको क्या हुआ, उसको जो हमारा फजल अली आयोग ने जो भाषा के आधार पर प्रस्ताव को पारित किया, राज्यों के बंटवारे के प्रस्ताव को क्या किया, पारित किया, उसके 10 साल बाद यानी 1966 को एक और आयोग बनाएगा, सहा आयोग। क्या दिया, सहा आयोग बनाएगा, जिसको जिम्मेदारी दी गई कि आप इस जो पेप्सू वाले राज को आप इसको भी व्यवस्थित रूप से विभाजित करें ताकि यहाँ पर जो आंतरिक अशांति जो उत्पन्न हुई है वह ख़त्म हो सके। तो यहाँ तो 1966 में सहा आयोग की सिफारिश से यहाँ पर क्या किया गया कि पेप्सू राज को इस प्रकार विभाजित करने के लिए कहा गया कि पेप्सू जो हम वहाँ पर पेप्सू राज में जो आंतरिक अशांति उत्पन्न हुई थी वो ख़त्म हो सके। तो सहा आयोग ने प्रस्ताव रखा कि जो जहाँ पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं यानी हिंदी भाषा बोली जाती है उसको क्या बना दिया जाए, हरियाणा बना दिया जाए और जहाँ पंजाबी भाषा बोली जाती है वहाँ पर क्या कर दिया जाए, वहाँ पर पंजाब बना दिया जाए, उस क्षेत्र को पंजाब नाम दे दिया जाए। और जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है उसे क्या कर दिया जाए, हिमाचल प्रदेश का नाम दे दिया जाए। और जहाँ पर जो विवादित क्षेत्र रह गया था जैसे चंडीगढ़, तो उसको क्या किया, विवादित क्षेत्र रह गया था, जो बाकी का जो विवादित क्षेत्र रह गया था उसको क्या कर दिया, चंडीगढ़ बना दिया गया। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि वास्तव में देखो उस समय सहा आयोग 1966 में जो हुआ था, तो हिंदी भाषी जहाँ पर था उसे हरियाणा बना दिया गया, पंजाबी जहाँ बोलते थे उसे पंजाब बना दिया, पर्वतीय क्षेत्र था उसे हिमाचल प्रदेश बना दिया, और विवादित क्षेत्र क्या, चंडीगढ़। और आज भी हम देखते हैं पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त राजधानी वो क्या है, चंडीगढ़ है। इन दोनों राज्यों की जो राजधानी है वह केवल क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक, तो इस प्रकार पेप्सू जो एक राज था जिसमें अशांति, आंतरिक अशांति बहुत ज़्यादा थी, उसको सहा आयोग के प्रस्ताव से उसको भी विभाजित कर दिया गया। ठीक, तो हमने आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातों पर बात की, यानी बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमने बात की। सबसे पहले हमने देखा कि भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया, 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और उसमें पहले भाग को हमने पढ़ा संघ और राज क्षेत्र, उसमें 1 से लेकर 4 तक जो आर्टिकल थे उनके बारे में हमने पढ़ा और कुछ जो एक्सटर्नल जानकारी थी उससे रिलेटेड हमने उस पर बात की। तो इस प्रकार हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। गुड बाय, धन्यवाद।